या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। प्रोफेशनल मॉडल बनना कैसा है, जैसे कुर्ते या बुरके अबाया वगैरह का शो करवाने के लिए मामला होता है। असल में अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी थी मुफ्ती अकमल साहब की, जिन्होंने बताया था कि मॉडलिंग जो है ना एक प्रोफेशनल है उसको करना जायज़ है, क्योंकि पुरानी वीडियो थी वो, क्योंकि कपड़े वगैरह की अगर किसी की कंपनी है तो वो लोगों को कपड़े दिखाने के लिए, उसका डिज़ाइन दिखाने के लिए किसी को पहनाया ज़रूर जाएगा, तो इस किस्म से जो है ना मॉडलिंग भी एक जायज़ प्रोफेशनल कर सकते हैं। असल में हो सकता है कि पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश हो, लेकिन इंडिया के अंदर जो है ना मॉडल बनने के लिए ज़ाहिर है कि वहाँ शरीयत की पाबंदी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है कि दाढ़ी रखने का मसला, तो क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान की कंपनी अभी मुस्लिम हो, ऑनर मुस्लिम हो, तो वहाँ पर दाढ़ी वाले मॉडल जो है ना एडजस्ट कर जाते हो, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कम चांसेस है कि शरा शरीफ के मुताबिक बंदा दाढ़ी रखे और उसको सूट वगैरह या दूसरे किसी कपड़े के लिए मॉडलिंग के लिए चूज़ किया जाए। प्रिंट मॉडलिंग के लिए भी चूज़ नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मॉडल बनना, क्योंकि इसके अंदर दाढ़ी ना रखने की एक शर्त पाई जाती है, बहुत से केसों के अंदर बंदा क्लीन शेव होना चाहिए, तो इसलिए इसका बनना जायज़ नहीं है। दूसरा रहा ये कि कपड़े वगैरह दिखाने के एतबार से अगर रहता है, तो आजकल ऐसी डमी वगैरह रहती हैं, यानी डमी बाज़ार में मिलती हैं कि पुतले आपने देखा होगा दुकानों के ऊपर भी रखे होते हैं, कि उसके अंदर उसको सूट वगैरह पहनाने के बाद भी कपड़े का कस्टमर को पूरा लुक दिखाया जा सकता है। और इसी तरीके से अबाया वगैरह के भी, फीमेल की भी डमी इस तरीके से मिलती हैं बनी बनाई, जिसके अंदर चेहरा नहीं होता, यानी आँख वगैरह नहीं होती, ऐसी भी मिलती हैं, जिसके अंदर गर्दन ही नहीं होती, ऐसी भी मिलती है जिससे सूट का जो है ना पूरा नक्श नज़र आ जाता है, कस्टमर को ख़रीदने से पहले उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, उसकी क्वालिटी वगैरह वो चेक कर सकता है। तो अगर मॉडल बनने के अंदर कपड़े का मामला इस तरीके से है कि ये देखा जाता है कि भाई इसके अंदर दाढ़ी नहीं रखने दी जाएगी, और तब तो एक सूरत इसकी नाजायज़ की है ही कि इसके अंदर दाढ़ी रखने की पाबंदी मर्द के लिए ख़ास तौर से, ख़वातीन के लिए तो वैसे ही बेपर्दगी का मामला रहेगा दूसरे सूट के अंदर। और अगर बिलफर्ज ऐसा है कि कोई जायज़ कपड़े पहनने, यानी जायज़ कपड़ा पहना जाए और दाढ़ी रखने की परमिशन दी जाए, तो ये जो स्टेज शो वगैरह होते हैं ना, ये मेल फीमेल के साथ जो है ना खलत मलत के साथ ही होते हैं, गैदरिंग होती है इन दोनों की एक साथ जो जज वगैरह करते हैं, तो ये मामला रहता है। अलबत्ता सिर्फ इतना है कि हाँ, अगर कोई ऐसा है कि पर्सनल बंदे को हायर करता है कोई कंपनी या कोई कंपनी का डायरेक्टर, कि वो अपने सूट वगैरह पहनाने के बाद उसकी दाढ़ी कोई पाबंदी नहीं है, फिर उसको पर्सनली रखता, कोई स्टेज शो नहीं होता, इस तरीके से उन्होंने एज ए मॉडल हायर कर रखा है, जैसे कि ऑनलाइन जो है ना बिज़नेस पे जब आप पोर्टल के ऊपर कोई साइट के ऊपर डालेंगे अपने कपड़े या दूसरी चीज़, तो वहाँ पर भी एक किसी बंदे को कपड़े पहनाने के बाद उसकी वीडियो क्लिप शूट की जाती है, मतलब चारों तरफ से सूट दिखाया जाता है, दो चार सेकेंड, दस सेकेंड, बीस सेकेंड की वीडियो क्लिप होती है। तो इस तरीके से मॉडलिंग के अंदर ये भी प्रोफेशनल के अंदर एक इसके अंदर लेवल होता है। तो इतना अगर है कि ऑडियंस के अंदर भी नहीं जाना, मर्द औरतों के दरमियान कोई जज नहीं करना, स्टेज शो नहीं करना, लेकिन कंपनी अपने लिए पर्सनल मॉडल एक दो हायर करके रखते हैं कि कोई नया सैंपल सूट आता है तो उसकी वीडियो क्लिप बना के, सूट पहना के उसको थोड़ा आगे पीछे घुमा के वीडियो क्लिप बना के डाली जाती है, और उसमें शर्त नहीं है दाढ़ी वगैरह कटवाने की, कोई दिक्कत नहीं, या फिर गले से रिकॉर्ड की जाएगी, तब तो इस काम के अंदर बंदे के जाने की सूरत है, क्योंकि कपड़े का जो है ना दिखाना, क्वालिटी का कस्टमर को दिखाना, या कपड़े की लेंथ, या पहनने के बाद वो डिज़ाइन किस तरह से शो होगा प्रिंट कपड़े के ऊपर, तो ये सब दिखाना, तो ये इसकी जायज़ सूरत हो सकती है। लेकिन वो जो प्रोफेशनल मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें गालिबन दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं होगी। और प्राइवेट का जो मैंने बताया, ये पर्सनली अगर किसी एक ही कंपनी के लिए फिर बंदा वो काम करेगा, ये नया सूट आता है, नया पैटर्न कोई आता है सूट के ऊपर, तो वो उसको पहन के वीडियो के ज़रिए, तो वो वीडियो फिर ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डाली जाती है सूट के साथ, जैसा आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे देखा होगा, बहुत सी चीज़ों में वीडियो क्लिप भी ऐड होती है कि जिसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। तो ये मामला है, अगर इस तरह की गुंजाइश है इतनी फाउंडेशन के साथ तो कर सकते हैं, अगर सिर्फ कपड़े वगैरह ही को दिखाना है। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और सी पैनल के साथ, और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com.in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर।
से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।